तो हम क्या बोल रहे थे, प्रोसेस। तो किसी सिस्टम का आप चाहते हैं ना कि प्रेशर वॉल्यूम, अगर आप देखो एसी रूम में लगा है, अगर मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़े तो टेम्परेचर कम करने के लिए तो अपने से थोड़ी लगाया गया ना, उसी तरह से आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो, तो उसमें कोई ना कोई उसमें प्रक्रिया करना पड़ेगा ना। तो जो वर्क करना या वर्क नहीं, जो ऑपरेशन करना पड़ता है, वर्क तो एक अलग टर्म है ना, तो जो ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि सिस्टम अपने हिसाब से आपके हिसाब से चेंज हो, उसके उस टर्म का नाम प्रोसेस। तो ध्यान रखना बार बार टर्म लिखा रहेगा प्रोसेस। प्रोसेस को हम लोग हल्का में ले लेते हैं, प्रोसेस कोई होगा, अरे प्रोसेस जहां है मतलब समझ लेना कि एक ऑपरेशन है सिस्टम पे, ताकि इस ऑपरेशन के मदद से हम सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा को हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, है ना। लिखो, इट इज एन ऑपरेशन ऑन द सिस्टम, इट इज एन ऑपरेशन ऑन द सिस्टम बाय विच, ऑपरेशन ऑन द सिस्टम बाय विच स्टेट ऑफ द सिस्टम आर चेंजेस, बाय विच स्टेट ऑफ द सिस्टम आर चेंजेस, स्टेट ऑफ द सिस्टम आर चेंजेस, स्टेट ऑफ द सिस्टम आर चेंजेस। ठीक है, अब प्रोसेस बहुत तरह का होता है, तो टाइप्स ऑफ द प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस का बहुत सारा टाइप होगा, ठीक है ना। सबसे पहला टाइप अगर हम बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम सुने हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस, पहले ध्यान सुनना, समझा हुआ तो है या बोल भी पा रहे हैं? प्रोसेस का मतलब कोई ऑपरेशन हो रहा होगा जिससे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा चेंज हो, बट चेंज कौन ना हो, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें बाकी तो चेंज हो लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो। तो टेम्परेचर चेंज होने का नहीं होने का दो कंडीशन, इनिशियल टेम्परेचर जैसे क्लासरूम शुरू हुआ क्लास स्टार्ट हुआ उस वक्त का टेम्परेचर और एंड हो रहा है उस वक्त सेम रहे, अब बीच में फ्लक्चुएट कहेंगे तो क्या उसको आइसोथर्मल कहेंगे? आइसोथर्मल का मतलब थ्रू आउट मतलब हर मोमेंट पे अगर आप टेम्परेचर निकालिए, हर मोमेंट में टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, हर मोमेंट पे रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप बोलिएगा डीटी का वैल्यू जीरो, डीटी का मतलब होता है स्मॉल चेंज ना, और डीटी जीरो होगा तो डेल्टा टी भी जीरो होगा, बट डेल्टा टी ध्यान रखना, डेल्टा टी तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल जीरो होने के बाद भी बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है ना, तो डीटी इंपॉर्टेंट है कि डीटी का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक। तो अब ध्यान रखना आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बाकी कुछ भी चेंज हो रहा है उनको नहीं पता कि क्या चेंज हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है तभी नाम प्रोसेस है, अगर कुछ चेंज ही नहीं होता तो प्रोसेस कहते उसको नहीं कहते। अब ध्यान रखना कि टेम्परेचर पे जो जो फैक्टर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे जो जो फैक्टर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, मान लिया पढ़ेंगे आगे, अगर टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है इसका मतलब इसमें टेम्परेचर में इंटरनल एनर्जी भी चेंज, इंथैल्पी भी अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है तो अगर टेम्परेचर ही नहीं चेंज कर रहा है तो इंथैल्पी भी चेंज नहीं होगा, ऐसा कर आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक। बट हम लोग इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, ठीक। ग्राफिकली अगर बोले ग्राफ अगर हम देखें कि गैसियस स्पीसीज के लिए PV इक्वल टू NRT गैस है ना, अब गौर करो हम आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चेंज कौन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो साथ में कौन चेंज हो रहा है, मोल वही है, मोल अगर मान लेते हैं वही है, मोल भी चेंज नहीं किया, मोल मतलब अमाउंट ऑफ गैस, सिस्टम में जो चाय रखा हुआ था या गैस रखा हुआ था, तो अगर किसी क्वेश्चन में प्रेशर चेंज करे तो साथ में कौन चेंज करेगा, ऐसा है कि हम टेम्परेचर चेंज नहीं किए वॉल्यूम तुमको बदलना है बदल जाओ, प्रेशर भी नहीं बदलेगा तुम समझो, ऐसा है संभव कि अगर किसी गैसीय स्पीसीज में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और मोल वही है मतलब गैस वही है अगर अमाउंट वही है, तो अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो साथ में कौन चेंज हो रहा होगा,
ऐसा कभी कोई प्रोसेस है जिसमें प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम भी ना बदले, टेम्परेचर ही ना बदले, तुम समझो तुम बदले हो, तुम हो, तुम क्या करो, ऐसे बोलते हैं घर में मम्मी पापा कभी कभी, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो यहाँ वैसा सिस्टम बोल देते हैं, वहां भी वही सिस्टम है, बोलने के लिए बोल देते हैं गुस्सा में, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुमको छोड़ देते हैं, है कि नहीं, तुमसे ज्यादा ध्यान वही लगते होंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ना हम ग्राफ समझेंगे थोड़ा सा। तो देखो तो PV इक्वल टू NRT में क्या हो गया, AB कांस्टेंट, AB कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू, तो अगर हम Y कोऑर्डिनेट में प्रेशर रख दे और X कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम रख दे तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ग्राफ तो मैथ वाला बात है, स्ट्रेट लाइन। अरे भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है Y इक्वल टू MX प्लस C, जहां Y क्या है, Y कोऑर्डिनेट में कौन है, यहाँ P, Y कौन है P, तो P को आप Y लिख दीजिए, ठीक। X कोऑर्डिनेट में कौन है, तो X कोऑर्डिनेट में भी है, तो यहाँ पे देखो X कोऑर्डिनेट ही है तो X कोऑर्डिनेट में भी है, तो क्या इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, अगर इस इक्वेशन से मैच करता तब कहते हैं आपकी स्ट्रेट लाइन है, नहीं मैच कर रहा है तो जरूरी स्ट्रेट लाइन, उतना हम मैथ नहीं जानते कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है उतना नहीं याद है, तो भाई ऐसे समझेंगे कि y इक्वल टू mx प्लस c, c है ही, तो मतलब इसे मैच किया ही, मैच कर रहा है, नहीं मैच करे तो स्ट्रेट लाइन, तब स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कर्व होगा, पैराबोला, कर्व होगा, पैराबोला हाइपरबोला भी सब नहीं जानते हैं, तो हम बोलेंगे कर्व होगा, कर्व होगा ना। अब कर्व में ऐसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व होगा, तो यहां देखेंगे, देखो प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, और जैसे जैसे प्रेशर कमते जाएगा वैसे वैसे, अगर हम ग्राफ ऐसा बनाते समझ लो, तो देखो प्रेशर वॉल्यूम दोनों साथ साथ में बढ़ रहा है, ऐसा होगा, ऐसा ग्राफ नहीं होगा, तो कैसा ग्राफ होगा, इसी का नाम होता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, है ना। तो ऐसा प्रेशर, लेकिन ग्राफ पे ध्यान रखना, प्रेशर है वॉल्यूम है, लेकिन ग्राफ का नाम क्या है, आइसोथर्मल ग्राफ। बोले सर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है ही नहीं, और बोल रहे आइसोथर्मल, ये क्या धोखा है, अरे ग्राफ में है प्रेशर वॉल्यूम, लेकिन नाम ग्राफ का क्या है, आइसोथर्मल ग्राफ, क्योंकि टेम्परेचर कौन है, अरे तो मोल मेरे हाथ में है, मोल तो जानते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक मोल का दूसरा होगा, दो मोल का दूसरा होगा, पॉइंट समझे, तो ऐसा होगा इसके हिसाब से, आइसोथर्मल ग्राफ हुआ ही, ऐसे बोलेंगे पक्का। अगर किसी को मन कर रहा होगा कि नहीं ग्राफ इसलिए जरूरी है ना कि थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क डन निकालिएगा ना, तो वर्क डन में ग्राफ का जरूरत पड़ता है, फिर ऐसे समझिए, यहां प्रेशर और वॉल्यूम, वन बाई वॉल्यूम कर लेते हैं, अगर तो इसका ग्राफ कैसा होगा, चूंकि भी आइसोथर्मल है, तो आप क्या करिए, प्रेशर को वन बाई भी ना किए, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वन बाई भी लाना हमको, तो P यहां रहने दीजिए, वन बाई, इसको क्या मानिए, Y है ना, देखो और ये X और ये और ये, देखो इसे मैच किया, इसमें क्या होगा, और इंटरसेप्ट, और स्लोप कैसा, पॉजिटिव, माइनस नहीं है, और पासिंग थ्रू ग्राफ कुछ ऐसा हो, है ना, ये भी आइसोथर्मल ग्राफ है, हर मोमेंट पे टेम्परेचर सेम होगा, हर पॉइंट, यहां भी हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम, ठीक है ना। देखिए समझ आया ग्राफ की, फिर से बोले, हम बोले हैं कि जो ना समझ आए तो तुरंत अभी पूछना है, सेविंग अकाउंट में जमा करके मैग्नीफाई नहीं करना उसको, कि SIP कर दिए अगले महीना दुगना हो जाएगा, वैसा दुगना करने वाला प्रयास यहाँ नहीं करना है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में कह देगा ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा लिख दिया,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैसियस सिस्टम है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, प्रोसेस है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसका ग्राफ इसी पैटर्न का होगा, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वॉल्यूम, ऐसे याद रखें ठीक है ना। किताब में अरे प्रेशर एग्जैक्टली जीरो का सेंस कुछ नहीं होगा, कहीं एकदम परफेक्टली वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते होंगे, इसलिए मिटा दे। आइसोथर्मल के बाद हम लोग दूसरा आइसोबेरिक प्रोसेस का नाम मतलब ध्यान से क्या रखेंगे, प्रेशर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, थ्रू आउट लगाना जरूरी है। तो डीपी का वैल्यू डेल्टा पी भी जीरो, अगर हम ग्राफिकली गैसियस सिस्टम के लिए फिर से ध्यान रखना, पी भी इक्वल टू एनआरटी लगाए तो पी का वैल्यू ध्यान रखिएगा। अब बताओ प्रेशर कैसे चेंज, प्रेशर तो कांस्टेंट है ना जी, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज कौन कौन हो रहा होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम, आप ध्यान रखना अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होना जरूरी है, इन्हें कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे एकदम इसको इतना पैक करके स्टील का बर्तन में बहुत बढ़ने ही नहीं देंगे वॉल्यूम, ठीक है ना, तो नहीं बढ़ने दीजिएगा तो प्रेशर बदल जाएगा ठीक है। तो आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो अगर ये प्रेशर ग्राफ ले ले और ये तो इसमें प्रोसेस में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा प्रेशर हर जगह कांस्टेंट, प्रेशर तो प्रेशर हर जगह कांस्टेंट तो बढ़ कौन रहा है, तो खाली वॉल्यूम बढ़ेगा साथ में टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा होगा, भले भले ग्राफ में टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो साथ में टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। बोलिए सर इसी को हम टेम्परेचर वाला ग्राफ में दिखाइए, तो बताओ यहाँ पे प्रेशर इस पॉइंट को हम इस प्रेशर पॉइंट को 1 पॉइंट बोल रहे हैं V1 और इस पॉइंट को V2 बट पूरे में प्रेशर क्या है और वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से चेंज करते हैं तो यहाँ क्या करते हैं बताओ, V इक्वल टू NRT बाई E कांस्टेंट मिला के क्या होगा बताओ, होगा कि नहीं, तो बताओ अगर y कोऑर्डिनेट में हम वॉल्यूम रखते और x कोऑर्डिनेट में टेम्परेचर केल्विन में अगर रखते हैं सपोज करो तो कैसा ग्राफ होता, तो y हो गया x हो गया ab हो गया और ये कैसा ग्राफ ऐसा होगा, है ना। इस पॉइंट को अगर हम मानते हैं दिस इज V1 वॉल्यूम होगा, यहाँ पे वॉल्यूम को अगर हम V2 मान लेते तो उसके हिसाब से टेम्परेचर T1 और होता ना, ऐसे दोनों ग्राफ एक ही है बट यहाँ पे कॉन्टेंट में क्या दिख रहा है आपको, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर तो चूंकि आइसोबेरिक प्रोसेस है प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोसेस यहाँ से यहाँ है तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो खाली ऐसा संभव है कि वॉल्यूम बढ़े टेम्परेचर ना बढ़े, भले टेम्परेचर ग्राफ में नहीं दिख रहा बट टेम्परेचर तो बढ़ रहा होगा ना, है ना। आइसोबेरिक प्रोसेस के बाद हो गया, मिटा देते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, मतलब डीबी का वैल्यू डेल्टा वी जीरो, और अगर लिखना चाहेंगे तो ये वॉल्यूम और प्रेशर ग्राफ है तो ऐसा है ना, अगर हम उल्टा लिख दें यहाँ पे प्रेशर है वॉल्यूम है तो यहाँ से हम
अरे पॉइंट को ए मानेंगे, ये पॉइंट को बी मानेंगे, हर पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है, चेंज कौन हो रहा है? अगर हम यहाँ से इधर चले, यहाँ से यहाँ चले तो प्रेशर, और इधर से ऊपर चले तो प्रेशर, तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो कंपनसेट कौन कर रहा होगा? प्रेशर कर रहा होगा। बट इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? आइसोथर्मल। यहां भी आइसोकोरिक वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम कोऑर्डिनेट है। उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज, और हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्यू का वैल्यू जीरो का मतलब हीट जीरो नहीं बोलते हैं, हीट एक्सचेंज जीरो, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज। तो क्या हीट एक्सचेंज नहीं हो तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे, ऐसा जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी? नहीं नहीं, माने हम हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे तो इसका टेम्परेचर कहां को बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। कैसे बढ़ेगा? अरे भाई हीट एक्सचेंज नहीं किया लेकिन हीट के जगह दूसरा एनर्जी फॉर्म वर्क कर दे, वो भी तो हीट का एनर्जी है, तो वर्क करने से भी तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में एक ही टर्म है कि हीट एक्सचेंज, हाँ हीट एक्सचेंज ना हो और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी यहां से एक्सचेंज ना करे तो टेम्परेचर भी, तो उसको एडियाबेटिक आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। एडियाबेटिक अलग है, वहां पे हीट एक्सचेंज नहीं, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दोनों प्रोसेस एक साथ हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे हीट एक्सचेंज नहीं किया लेकिन सिस्टम वर्क करिए तो वर्क भी तो एक तरह का एनर्जी है, तो सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम का हीट कंटेंट क्या होगा? कमेगा, भले हीट लॉस नहीं किया, दूसरा फॉर्म किया, वर्क भी तो एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, और समझ रहे हैं? तो एडियाबेटिक प्रोसेस अलग है, इसमें क्यू जीरो रखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ऐसा हो सपोज करो किसी सिस्टम में हीट ले लिया तो हीट लेने से तो एडियाबेटिक रहा नहीं, लेकिन जितना हीट लिया उतना ही के बराबर वर्क कर दिया, जितना हीट लिया तो जितना हीट लिया उसी के बराबर वर्क कर दिया, तो इसका सिस्टम का एनर्जी का नेट चेंज, तो टेम्परेचर भी चेंज, और टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा तो ये प्रोसेस का नाम क्या हो गया? आइसोथर्मल। बट एडियाबेटिक तो कहेंगे नहीं क्या? एडियाबेटिक में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखें, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे हीट स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, ठीक है।